ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है। ओ माझी रे, हाउ डू आई सिंग? यू लाइक माई सिंगिंग? टेल मी। यस, आई सिंग वेल। ठीक है। व्हाई आई वॉज सिंगिंग दिस बॉटमैन सॉन्ग, माझी का गाना? बिकॉज आई एम गोइंग राउंड द वर्ल्ड वॉयज। वुड यू लाइक टू बी विद मी ऑन दिस वॉयज? वी विल एन्जॉय टुगेदर। यस, ओके। आई विल टेक यू टू दिस वॉयज वाइल स्टडिंग दिस लेसन। माई बॉट इज रेडी, माई पैडल इज रेडी। दिस बॉट आई हैव नेम्ड इट एज वे वॉकर, एंड वी विल सेल इन द सी राउंड द वर्ल्ड वॉयज, एंड विच इज 1,05,000 किलोमीटर डिस्टेंस वी हैव टू कवर, एंड इट विल टेक 3 ईयर्स, यू थिंक, बिफोर सेइंग येस टू गो ऑन दिस वॉयज विद मी। ओके, दिस 23 मीटर लॉन्ग 30-टन वुडन हल आई हैव बिल्ड दिस, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस राउंड द वर्ल्ड वॉयज फॉर लास्ट 16 ईयर्स। आई वॉज हॉनिंग माई सी फेयरिंग स्किल्स। आई एम टेकिंग यू टू राउंड द वर्ल्ड वॉयज बाई स्टडिंग योर लेसन। येस, यू राइटली गेस्ड इट, 11th क्लास इट इज़। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। वी माइट बी फेसिंग सम स्टॉम्स, बट वी आर नॉट अफ्रेड, बिकॉज दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द करेज, हाउ टू फेस चैलेंजेस। येस, क्लास 11th, आई एम टॉकिंग अबाउट योर टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल एंड योर चैप्टर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई बाई गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। इट इज सैड वॉट इज इन द नेम, बट देयर इज समथिंग इन दिस नेम। लुक, दीज आर इन कॉट्स, टाइटल इज इन कॉट्स। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स द राइटर हैज मेड इट अ टाइटल। वर्ड्स ऑफ अ कैरेक्टर, वर्ड्स ऑफ 6-year-old जोनाथन, हु वॉज अकंपनिंग हिज फादर, हिज फैमिली ऑन दिस राउंड द वर्ल्ड वॉयज, एंड ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। देखिए आप, ये उसके वर्ड हैं जो राइटर ने टाइटल बना दिया है। बिकॉज दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट द एक्सट्रीम करेज, रिस्क टेकिंग एडवेंचर। जिंदगी यूं ही नहीं बिता देनी है, कुछ करना है, बड़ा करना है, एडवेंचर करना है। सर, यहां पर इस फैमिली ने किया है। सी फेयरिंग स्किल्स अपनी शार्प की उन्होंने 16 ईयर्स तक, एंड देन द फैमिली डिसाइडेड दैट ओके, वी आर रेडी नाउ। दे होन देयर स्किल्स। आर यू होनिंग योर स्किल्स, 11th क्लास स्टूडेंट्स? क्या जानते हैं आप, क्या स्किल है आपके अंदर? वी वुड लाइक टू नो। उन्होंने ये बोट बनाई, 16 ईयर ब्रिटिश वाटर्स में प्रैक्टिस किया। दे होन देयर स्किल्स। आर यू होनिंग योर स्किल्स, आई एम आस्किंग यू। गो टू कमेंट सेक्शन एंड रिप्लाई व्हाट यू नो, क्या स्किल है आपके अंदर। एज ए स्टूडेंट यू शुड बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड कल्चरल कोलेबोरेशन। That is in the demand, and that is going to be the most successful if you want to become in life. The most important factor, cultural collaboration, creativity and innovation. Being a student of 11th class, you should hone these skills as the family was honing the skill to go around the world voice like this in lockdown. 6 months, your schools are closed. What you did during these 6 months? Have you learned any new language? You should have. अगर आप humanities पढ़ रहे हैं, arts के student हैं, cooking में आपने help किया है? Have you helped your mothers? I am asking girls. In kitchen, gardening, medical के student हैं, first aid के बारे में जान लीजिए आप।
शुरू कीजिए ना आप, हॉन योर स्किल्स, जो भी आपका करियर बनने वाला है, टेक्सटाइल में जाइए, स्टिचिंग कर लो, एम्ब्रॉयडरी कर लो, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल बाय होनिंग दी स्किल्स एज द टाइम इज स्टिल विद यू. स्कूल्स आर क्लोज्ड, मेक मैक्सिमम ऑफ दिस टाइम ऑफ द लॉकडाउन पीरियड. फाइनेंसिस में इफ़ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, फाइनेंस कीजिए आप, फाइनेंस में कोर्स कर लीजिए, घर बैठे ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है. एक्सरसाइज में है, योगा में है, फिजिकली फिटनेस में चले जाइए. देर आर सो मैनी एरियाज दैट यू कैन होन योर स्किल्स. आपके फादर का गैराज है, बॉयज़ की बात करते हैं, आपने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग आपका टारगेट है, तो आपने क्या किया फादर के साथ, आपने क्या अपनी स्किल को होन किया? योर फादर इज़ अ शॉपकीपर, डू यू नो अबाउट द शॉप मैनेजमेंट? क्या सीखा आपने इन दिनों में? तो यू होन योर स्किल्स, बताइए, कमेंट सेक्शन में आ जाइए, सभी गर्ल्स आ जाएं, ऑल आरतीज वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल अंजलीज, अंजूज, अनूज, दीक्षाज, खुशीज, कोमल्स, मुस्कांस, नेहाज, पूजाज, प्रीतिज, साक्षीज, और बॉयज में अजयज, ऑल अजयज, ऑल अभिषेक्स, अमन्स, दीपक्स, हिमांशुज, विशाल, सौरव्स, साहिल्स, रवीज, प्रिंसेस एंड मनीष, जतिन्स, ऑल यू कम. ग्रेट स्टोरी. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. व्हाई आर यू अफ्रेड इन होनिंग एनी स्किल इन यू? आर यू वेस्टिंग योर टाइम? डोंट वेस्ट. यू हैव टू मेक मैक्सिमम ऑफ दिस पीरियड, दिस लॉकडाउन पीरियड एस्पेशली. And what else this story tells you? It tells us the oneness of a family in tough time. क्या करते हैं आप जब परिवार पर कोई ऐसी बात हो जाती है? पापा का साथ देते हैं आप, मम्मी का साथ देते हैं? तो ग्रेट स्टोरी. कितनी ही आपने कहानियाँ अराउंड द वर्ल्ड वॉयज के बारे में सुनी हैं. टाइटैनिक आपने देखी होगी. शी वॉज ऑन इट्स मेडन वॉयज और वो अपनी पहली ही यात्रा में वो डूब गई. तो इट्स नॉट इजी, बट वी हैव टू शो एक्सट्रीम करेज टू डू समथिंग बिग, रिस्क टेकिंग एडवेंचर, ये हमें होना जरूर चाहिए. तो बात करती है ये कहानी ऑप्टिमिज्म की. इट हेल्प्स, ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर इन डायरेक्ट स्ट्रेस, डिफिकल्ट टाइम में, डायर क्वेंसीज में. आप क्या करते हो डायर सर्कमस्टांसिस जब फैमिली पर आते हैं, आपके फादर इन ट्रबल हैं, आपके मदर इन ट्रबल हैं, व्हाट यू डू इन दैट टाइम? दिस स्टोरी टेल्स अस दैट 6-year-old जोनाथन टेल्स अस दैट 7-year-old गर्ल शू टेल्स अस कि व्हाट वी शुड डू व्हेन आवर फैमिली इज इन डायर सर्कमस्टांसिस. दिस स्टोरी इज ऑफ एक्सट्रीम करेज एंड वननेस ऑफ फैमिली. द ऑथर एंड His wife Mary. See, in the difficult time, what they did. It's a story of a father and daughter. It's a story of a father and his son Jonathan, 6 years old. Great story. Open your eyes. Family oneness in difficult time. और क्या देखेंगे आप इसके अंदर? अगर हम बात करें लर्निंग आउटकम्स की, लर्निंग एक्सपीरियंसेस की, लर्निंग कॉम्पिटेंसीज की, फॉर अ 11th क्लास स्टूडेंट, यू विल सी दिस इज अकाउंट ऑफ एन ऑर्डियल इन फर्स्ट पर्सन. देखिए नरेटिव है, नरेटर है इसके अंदर, आई कौन है देखना आप. एक फैमिली का एक्सपीरियंस दे रहा है वो. और दूसरा आप सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ योनर्स जो आपकी 11वीं क्लास में डाले गए हैं. ये बात करता है लेसन फैक्ट्स प्रेजेंटेशन की. योनर ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेशन, यहाँ पर आप देखेगा कि बोट का साइज क्या था, किस दिन क्या हुआ, वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है फैक्ट्स की. और वाटर वॉयज वोकेबलरी के बारे में ये लेसन भरपूर है. इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट द वोकेबलरी टर्मिनोलॉजी ऑफ वाटर वॉयज, नॉट, स्टर्न, बूम, हैच, पिनप्रिक, मेडे कॉल्स, मास्ट, गाले, स्टॉर्म, तो ये वोकेबलरी, टाइपून, साइक्लोन, आपकी लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स जो होते हैं इसके बारे में बात करेंगे. बॉट, याच, कैनॉय, शिप, स्टीमर,
ऑल दीज आर, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं ये देखिए आप, ये आपके लिए एक तरह से एक्टिविटीज़ हैं। तो ये लेसन जो है लर्निंग कॉम्पिटेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास के लिए एक ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। शिप और कंपाउंड वर्ड्स के बारे में, एयरशिप, फ्लैगशिप, लाइटशिप, दिस इज स्टोरी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड स्किल्स ऑफ दोज फोर फैमिली मेंबर्स हु वांटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम ऑफ एक्सपीरियंसिंग राउंड द वर्ल्ड वॉयज their dream for which they were preparing for 16 years, they were honing their skills. So children, you can open your hornbill now so that we can start the line to line full explanation of the lesson. If you do not have hornbill, you have not bought it yet, don't worry. Main hoon na, main aapke liye lekar aaya hoon screen par hi text. सिर्फ इधर देखिए, पढ़ने की लगन होनी चाहिए आपके अंदर, सिस्टम हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। तो देखिए आप लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। इन जुलाई 1976 माय वाइफ, हुज वाइफ, नरेटर्स वाइफ, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, मैरी, सन जोनाथन, सिक्स, इसका क्या मतलब है सिक्स, सिक्स ईयर्स, डॉटर सुजैन, सेवन, ये ज़रूरी नहीं है ईयर्स ओल्ड लिखना, सेवन लिख दिया तो समझो कि वो उम्र की बात कर रहा है, ये राइटिंग है। योनर ऑफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, यहाँ से शुरू हुई है। देखिए आप, ये मैप भी मैं लेकर आया हूँ, यहाँ से जाना है इन्होंने, केप टाउन जाना है, ईस्ट साउथ इंडियन ओशन होते हुए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होते हुए, और फिर इस तरह से टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मैंने री इनेक्ट कर रहा है उसको, द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, वॉयज क्या होता है, संसार की यात्रा को वॉयज कहते हैं, स्पेस से कर लो या सी से कर लो, अ लॉन्ग जर्नी इज कॉल्ड वॉयज, मेड 200 years earlier by Captain James Cook, जो 200 साल पहले James Cook ने किया वो adventure ये करने जा रहे थे। They are adventure people. They don't like to live ordinary life. They don't want their life at ease. They want something big in their life to happen. And for the longest time, मैरी एंड आई, अब देखिए आप, हस्बैंड और वाइफ की कहानी है ये, दोनों डिसाइड करते हैं, द टू डिसाइड स्टोरी ऑफ फैमिली वननेस इन टफ टाइम्स, टफ टाइम ये भी तो चल रहा है, कोरोना पीरियड जो है ये, लॉकडाउन पीरियड, तो यहाँ पर फैमिली वननेस है ना, हम फादर साहब दिक्कत में हैं इन दिनों, काम ठप पड़ गए हैं, मदर भी प्रॉब्लम में है, फैमिली पर ट्रबल है, एक तरह से डिफिकल्ट टाइम है। आई कौन है यहाँ पर, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, देखिए डैश डैश लगा रखे है बीच में, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि हमें भी सेल करना है उसकी तरह, फेमस एक्सप्लोरर, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जेम्स कुक की। And for this, the past 16 years, we had spent all our leisure time. किस पर खर्च किया, लेजर, लेजर टाइम होता है फ्री टाइम, आप क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में, मॉम की हेल्प करते हैं कुकिंग में, रोटी में, सब्जी में, बाजार में, शॉपिंग में, या आप बॉय हैं तो पापा की हेल्प करते हैं उनके काम में, अगर वो शॉपकीपर हैं तो शॉप पर, गैराज हैं तो वहाँ पर। लेजर टाइम में हॉर्निंग आवर सी फायरिंग स्किल्स, हॉर्न करना मैंने शार्पन करना, ये जो टाइम था ना 6 मंथ का, आपने भी अपनी स्किल हॉर्न करनी थी जैसा मैंने डिस्कस किया, तो मुझे बताइए क्या स्किल होन की आपने इन 6 मंथ्स ऑफ दिस
ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन। क्या इंप्रूवमेंट आपने अपने अंदर किया? उन्होंने तो किया सी फायरिंग मैंने रेगुलरली ट्रैवलिंग बाय सी, बार बार वो ब्रिटिश वाटर्स में गए, टू इम्प्रूव देयर स्किल दैट आर रिक्वायर्ड एज दे वर प्लानिंग टू गो अराउंड द वॉयज ट्रैवल बाय सी इन ब्रिटिश वाटर्स में। बार बार उन्होंने प्रैक्टिस किया। तो आप भी ऐसा कर रहे हैं ना, टाइम को व्यर्थ नहीं करना है प्यारे बच्चों। मेक मैक्सिमम ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड। 6 महीने स्कूल भी बंद रहा। तो आगे बताता है, आवर बॉट वे वॉकर, क्या नाम रखा उन्होंने बॉट का, वे वॉकर, यहाँ पे लिख दिया है, देखो आपके लिए बनाया मैंने स्पेशली कि आपको ठीक से समझ आए। 23 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन वुडन हर्ड, ये तो पेपर बोट है, चार्ट का बनाया मैंने। वो क्या था, वुडन हर्ड, हर्ड मैंने बॉडी जो थी उसकी, ये तो पेपर की है, वो लकड़ी की थी। हर्ड मैंने ए वाटर टाइट बॉडी ऑफ ए शिप, ये भी कुछ देर तो वाटर टाइट है, कुछ देर पानी में रहेगी फिर कागज़ गल जाएगा, लेकिन वो लकड़ी जो थी अच्छी वाली लगाई उसने। ए वाटर टाइट बॉडी ऑफ अ शिप को हल्ड कहते हैं, हल कहते हैं। ब्यूटीफुल, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, मैंने भी सफाई से बनाने की कोशिश की, एंड दैट वाज प्रोफेशनली बिल्ट, एंड ही हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर ही कुड फाइंड। ब्रिटिश वाटर्स में रफेस्ट वेदर में उन्होंने उसको ट्राई किया, क्योंकि सी का कुछ नहीं पता। कीपिंग दिस इन माइंड दे ट्राइड दिस वे वॉकर, दिस वुडन हर्ड प्रोफेशनली बिल्ट, टू ट्राई इट इन रफेस्ट वेदर विच एवर वर अवेलेबल टू दैम वेन एवर इन ब्रिटिश वाटर्स, एंड देन दे स्टार्ट द फर्स्ट लेग। अब लेग क्या होता है, टांग, पहली टांग। फर्स्ट लेग का मतलब पहला टुकड़ा ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स, 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली। पहला लेग जो था उसका, पहला स्ट्रेच, एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, यहाँ तक आ गए वो, आराम से आ गए, प्लेजेंटली आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, यहाँ देख सकते हैं आप, ईस्ट पर जाने से पहले वी टू ऑन 2 क्रूमन, क्रूमन मैंने जहाज पर जितने यात्री को हम लेते हैं, जो पायलट का स्टाफ होता है, क्रूमन कहते हैं उन्हें। ट्रैवलर अलग होते हैं, पैसेंजर अलग होते हैं, और जो स्टाफ होता है क्रू कहते हैं उन्हें। तो 2 उन्होंने क्रू ले लिए, कौन कौन थे वो याद रखिएगा, अमेरिकन लैरी विजिल एंड अ स्विस हर्ब सीगलर। क्यों लिए, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। अब देखो कहाँ जा रहे थे वो, यहाँ से देखो, ये जो जगह है आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट सी है, और ये हमारा साउथ इंडियन ओशियन कहलाता है। यहाँ जाना था, तो उन्होंने सोचा काम नहीं चलेगा, और वो सही भी प्रूव हुए, इनके बिना, दोनों के बिना बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको। ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब जब वहाँ से चले अगले दिन क्या हुआ, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स देखिए आप, वोकैबुलरी देखिए आप, आ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड जब चलती है तो उसको विंड नहीं कहते, गेल्स कहते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और वो चलते रहे, हवाएं इसी तरह चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, वो कह रहा है मुझे गेल्स की चिंता नहीं थी, जो ये स्ट्रॉन्ग विंड, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही थी, इट वॉज नॉट कॉज ऑफ वरी फॉर मी, बट द साइज ऑफ द वेव्स, बट ड्यू टू दीज विंड्स, दीज गेल्स, द वेव्स वर अलार्मिंग, दे वर टेरिफाइंग अस। वेव्स कितनी बड़ी, अप टू 15 मीटर्स,
एज हाई एज आवर मेन मास्ट. देखिए आप, बोट जो वेव आकर बनाई, वो टर्मिनोलॉजी देखिए आप. वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए. मास्ट क्या होता है? ए टॉल अपराइट स्ट्रक्चर ऑन अ बोट और शिप. चलिए आगे चलते हैं. दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. हम यहाँ आ गए, समवेयर हियर 3500 आ गए. डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर था, बैड ऑफ अ वेरी पुअर क्वालिटी वेदर था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी थी. वी केप्ट विद द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस. क्या हुआ? वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री बनाया हमने. न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट. और नया साल भी आ गया, क्रिसमस भी मनाया, क्रिसमस ट्री भी मनाया 25 दिसंबर को, और नए साल पर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ वेदर का. बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून. लेकिन हम चाह रहे थे कि ये बदल जाए मौसम. एंड इट डिड चेंज. और वो बदला. इट वर्कड अकॉर्डिंग टू देयर हॉप टू चेंज. एंड इट चेंज्ड, बट इट चेंज्ड नॉट फॉर गुड, फॉर द वर्स. बैड वर्स वर्स्ट, गुड बेटर बेस्ट, कंपेरेटिव. वो बदला अच्छे के लिए नहीं, और बुरा हो गया. एट डॉन. डॉन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग को डॉन कहते हैं और इवनिंग को डस्क कहते हैं. याद रखिए आप. एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक वेव, समथिंग लाइक दिस, अ ह्यूज, वेरी बिग इन साइज देवर. वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब. हमने जिब छोटा कर दिया. जिब क्या होता है? ए ट्राइंगुलर, ये जो आप देख रहे हैं ट्राइंगुलर स्टे सेल, हवा जिसको पुश करती है उसको आप ज़्यादा करोगे, सेल करोगे आप, उसको छोटा कर दिया, हवाएं ज़्यादा थी. सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन अ शिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. नॉट, KNOT है, ये होती है ए यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 nautical mile per hour. जो शिप्स या एयरक्राफ्ट में स्पीड नापी जाती है ना, वो इन नॉट्स में नापी जाती है. ये उनका यूनिट है. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव. देखो जैसे वो वेव की ऊंचाई पर जाता, वी कुड सी एंडलेस इनोमस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस. इनोमस, जाइगेंटिक. देखिए आप, तूफान की वोकेबलरी, वाटर वॉयज की वोकेबलरी. इनोमस, एंडलेस, जाइगेंटिक वेव्स. इनोमस सी, अ वेरी लार्ज साइज सी रोलिंग टुवर्ड्स अस. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड, हवाओं की आवाज. एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स. एंड टू स्लो द बोट डाउन, उन्होंने सोचा कि ये समझदारी है कि जब इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, किसी तरह शिप को स्लो रखा जाए ताकि जो कोलिजन हो इफेक्टिव ना हो. वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड ए हैवी मूरिंग. लैश्ड मैंने टू हिट विद ए लॉट ऑफ फोर्स. ए हैवी मूरिंग, मूरिंग होता है रॉप्स, चेन्स, एंकर्स बाय और टू विच अ बोट शिप इज मूर्ड, बांधना. रॉप इन ए लूप, रस्सियों से हमने लूप बांध दिए. लूप क्या होता है? ऐसे रस्सी का बनाते हैं ना. अ शेप प्रोड्यूस दैट बेंड्स राउंड एंड क्रॉसेस, बेंट अक्रॉस द स्टर्न. स्टर्न मैंने, स्टर्न होता है शिप का पिछला हिस्सा. द बैक साइड ऑफ अ शिप ऑफ अ बोट इज कॉल्ड स्टर्न. उसके साथ बांध दिया स्लो करने के लिए. देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल. ऑल सिक्योरिटी मेजर हमने देखे, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स,
डॉन्ड मैंने पुट ऑन, डाल ली हमने, वॉर कर ली, वी वॉर ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन होता है हैवी कॉटन क्लॉथ्स वाटर प्रूफ्ड विद ऑयल एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड. ले भाई सारी तैयारी कर ली, ऑल सिक्योरिटी मेजर्स. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग मैंने अबाउट टू हैपन, संभावित जो होने वाला है डिजास्टर, केम एट अबाउट 6 PM, 6 बजे, विद एन ओमिनस साइलेंस. ये आगे देखिए आप, ओमिनस साइलेंस, ओमिनस मैंने तूफान से पहले की शांति होती है ना, लगता है अरे बाप रे एकदम सब शांत हो गया है. अनप्लेजेंट थ्रेटनिंग साइलेंस, द विंड ड्रॉप्ड. क्या होता है हमारे यहाँ भी होता है, आपने महसूस किया होगा इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इट, कि हवाएं शांत हो जाती हैं एंड स्काई इमीडिएटली ग्रोज डार्क. सेम हैपन देयर, विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क देयर. देन केम अ ग्रोरिंग रॉर, गर्जने की आवाज़ के साथ, एंड एन इनोमस क्लाउड टावर्ड एफ्ट नियर द स्टर्न ऑफ द शिप, पिछली तरफ से. विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, ओ माई गॉड इट्स नॉट ए क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ओ माई गॉड सेव अस. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद ए फ्राइटफुल अनप्लेजेंट एंड शॉकिंग ब्रेकिंग क्रेस्ट. ब्रेकिंग क्रेस्ट इतनी ऊंची बनी और उसका ऊपरले सिरा रीच द टॉप ऑफ ए वेव. द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट बट देन ए ट्रिमेंडस जाइगेंटिक इनोमस ट्रिमेंडस वेरी ग्रेट इन अमाउंट. देखिए आप, ग्रेट वोकेबुलरी, एक्सप्लोजन, ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, शोक द डेक. डेक मैंने फ्लोर ऑफ द शिप, ये आप देख सकते हैं फ्लोर ऑफ द शिप पर जैसे कांप गया. ए टोरेंट, टोरेंट क्या होता है, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, सारे शिप पर फैल गई. माई हेड स्मैश्ड, स्मैश शैटर्ड और वायलेंटली ब्रोकन, स्मैश मारते हैं ना हम टेनिस खेलते हैं बैडमिंटन खेलते हैं, इन टू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर, मेरे को उठा के उसने मारा व्हील के ऊपर जहाज के, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. मुझे याद आया मैं उड़ता हुआ गया और फिर नीचे लहरों के नीचे चला गया. I accepted my approaching death, कि लगा कि अब तो गए भैया. And as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. मैंने काफ़ी शांत महसूस किया कि अब तो हो गया काम. Unexpectedly, देखिए आप, untedly, prefix, suffix, root word, expect, unexpectedly, my head popped out of the water. Popped out, पानी में से एकदम से बाहर आ जाना, कॉक की तरह, कॉक पानी में डालो चपक से ऊपर आता है, तो वो popped out. A few meters away, wave walker was near capsizing. Hillore, wave walker was in danger. Be overturned in the water, पलटने वाली थी. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और वो मास्ट जो थे उसके वो नीचे गिर चुके थे. देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तो एक लहर आई और उसने उसको ऊपर उठाया. माय लाइफ लाइन जग्ड आउट, आई ग्रैब द गॉर्ड रेल्स, तब एक लहर ने मुझे धक्का दिया, मेरी लाइफ लाइन जो है स्ट्रेच हुई, पुल्ड हुआ मैं टाइटली. आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव आकर्स मेन बूम. मेन बूम मैंने पकड़ लिया, ये पोल जो होता है दैट कंट्रोल्स द एंगल.
एंड शेप ऑफ द सेल. बूम पकड़ लिया मैंने. सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल. सब्सिक्वेंटली वेव्स, जो बाद में लहरें आती रही जाती रही, मुझे गुड़िया की तरह ऐसे हिलोरे पानी में लेती रही. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाई पसलियाँ टूट गई. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए. समहाउ आई फाउंड द व्हील, फिर भी मैंने किसी तरह व्हील को मिला मुझे. लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और अगली वेव के इंतजार में मैं उस व्हील को पकड़े रहा. वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने फील किया कि शिप में नीचे भी पानी है. बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं ये जांचने नहीं जा सका क्योंकि मुझे व्हील छोड़ना पसंद नहीं आ रहा था कि नहीं व्हील को पकड़े रहना है. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्राउन ओपन, अचानक हैच, हैच मैंने ये जो मेन डोर होता है डेक में से नीचे जाते हैं हम केबिन में, केबिन का रिश्ते को हैच बोलते हैं हम. वॉज थ्राउन ओपन एंड मैरी अपियर्ड. वी आर सिंकिंग, वो क्या बोली, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड. द डेक्स आर स्मैश्ड, स्मैश्ड मैंने बैडली ब्रोकन. वी आर फुल ऑफ वाटर, हम जहां थे वहां पानी ही पानी है. तो वो क्या बोला, नरेटर बोला, टेक द व्हील, व्हील संभालो मैरी. आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल मैंने क्लाइंब, किसी तरह मैं चढ़ा. फॉर द हैच, दरवाजे की तरफ. लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, अब देखिए अब लैरी एंड हर्ब अपना काम कर रहे हैं. देवर पंपिंग द वाटर आउट ऑफ द बॉट लाइक मैडमैन. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड, उन्हें देखा, अब वो इन्वेस्टिगेट करने गया है, व्हील मैरी ने पकड़ा हुआ है. स्टारबोर्ड क्या होता है, इस हिस्से को स्टारबोर्ड कहते हैं, ये देख सकते हैं आप. साइड ऑफ अ शिप विच इज ऑन द राइट साइड वेन वन इज फेसिंग फॉरवर्ड, आगे हम जा रहे हैं अगर, तो राइट साइड को स्टारबोर्ड कहते हैं. बल्ज्ड, ये ऐसे हो गया, वो फुलावटरी सी आ गई उसके इनवर्ड, अंदर की तरफ लहरों ने ऐसे मारा थपेड़ा. क्लॉथ्स क्रॉकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज स्लोस्ट स्लोस्ट, इधर उधर मूव थ्रू लिक्विड विद अ स्प्लैशिंग साउंड, छपाक छपाक. एंड इन डीप वाटर आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, आधा तैरता आधा रेंगता. इन टू द चिल्ड्रंस केबिन, आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड. यस दे आंसर्ड, स्पिरिट, देखिए आप बच्चों की भी. फ्रॉम एन अपर बंक, अपर बंक, बंक मैंने बेड. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट डैड, सेड शू पॉइंटिंग अ बिग बम्प Above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. मेरे पास समय नहीं था बच्चों के bumped heads को देखने का. मैंने क्या किया, After finding a hammer, screws and canvas. Canvas मैंने a strong, unbleached cloth की वो जो टूट गया था जो starboard का हिस्सा, उसको जोड़ना था, पानी अंदर आ रहा था. I struggled back on deck. With a starboard side bashed, जहाँ से वो strike hard हुई थी, hit हुई थी. Open, we were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. अगर मैंने अब repair ना किया, हम पक्का डूबने वाले हैं. Somehow I managed to stretch canvas. मैं कामयाब रहा. उस जो गैपिंग होल्स था उसका, उसको कैनवस से हमने लगा दिया. एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, उस छिद्रों को हमने बिलो. एंड मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड, सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट नाउ बींग डिफ्लेक्टेड, अब उसको रास्ता दे दिया गया था पानी को.
टर्न्ड असाइड। डिफ्लेक्शन कहाँ देखा आपने, हॉकी में, फुटबॉल में डिफ्लेक्शन, तो ये वही डिफ्लेक्शन है। ओवर द साइड, मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज। डेब्रीज मैंने रबिश, जो कचरा था सारा पानी में तैर रहा था, तो ये प्रॉब्लम हो गया। फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया और वो ब्लॉक हो गए, पानी बाहर नहीं जा पा रहा था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड, पुल सडनली रिमूव्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद द फोस्टे। फोस्टे मैंने अ रोप टू सपोर्ट शिप्स फोर मास्ट। सेल द जिब द डिंगीज एंड द मेन एंकर, ये सब उन्होंने देखा। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, तो मैंने पानी के निकासी वाले पाइप से उसको जोड़ा, वो काम कर रहा था इलेक्ट्रिक पंप। ही थैंक्ड, वी वर थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, दे वर। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कॉल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। सारी रात बीती मैं किसी तरह संदेश पहुँचा दूँ और पंपिंग करते हुए सारे लगे हुए थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स। अब देखिए आप मे डे कॉल्स, एमरजेंसी में जब हम कोई एयरक्राफ्ट है या शिप है तो हेल्प के लिए जब बुलाते हैं कोस्ट गार्ड को, तो मे डे कॉल करते हैं। Which was not surprisingly, उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा था, because they were in this remote corner of the world, far far away from the land. और वहाँ बच्चों की हालत क्या थी, shoes had had swollen alarmingly, something like this. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. बाजू पर कट, हेड पर, आँखों के ऊपर बिग बम्प। When I asked why she had not made more of her injuries before this, अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया शिव कि तुझे इतनी चोट लगी है, she replied, स्पिरिट में देखिए आप रिप्लाई उसका, family oneness. I did not want to worry you when you were trying to save us all, dad. मैं नहीं चाहती थी पापा, मैं नहीं चाहती थी आपको डिस्टर्ब करना उससे जो आप करे जा रहे थे परिवार को बचाने के लिए। देखिए आप 7 साल की बच्ची। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. जनवरी 3 को पानी का जो इनफ्लो था और जो आउटफ्लो था पंप के द्वारा बैलेंस में आ गया। 2 घंटे रेस्ट रोटेशन में बारी बारी हमने आराम करने लगे, बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नील। नील मैंने स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द शिप, कितना पानी ने उसको नुकसान पहुंचाया है, जिब्स को, सब चीज़ों को। इन फैक्ट देर वार नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। कुछ नहीं बचा था निचली साइड, राइट साइड के हिस्से में कबर्ड पार्टीशन के अलावा। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, जब उस लहर ने, बड़ी लहर ने हमें, हमारे वेव वॉकर को पहला अटैक किया, जब हमें 15 घंटे हो चुके थे सर्वाइव के लिए लड़ाई लड़ रहे थे सर्वाइवल की। बट वेव वॉकर कुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब वेव वॉकर में इतने वेव के थपेड़े सहकर इतनी ताकत नहीं थी कि वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को पहुँच जाए। I checked our charts. मैंने देखे चार्ट रूम में जाकर, and calculated that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east की तरफ। One of them, Isle Amsterdam,
देखिए आप, वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, इन दो की बात हो रही है, और यहाँ पर मैं पहुँच सकता हूँ, ये थोड़े से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएगा वेव वॉकर, इट नीड रिपेयर्स, यहाँ पर हम कर लें शायद। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स, पिन प्रिक्स देखिए आप, ओशियन में, इतने बड़े ओशियन में, थाउजेंड किलोमीटर के में एक छोटे से 65 किलोमीटर के द्वीप को ढूंढना, पिन प्रिक्स है वो। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, अबेटेड मैंने समथिंग अनप्लेजेंट टू बिकम लेस इंटेंस, सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, इन सब के बिना हमारे चांसेस कम ही हैं। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन, ऑक्सिलरी इंजन मैंने सेकेंडरी इंजन, यूज टू बोर्ड शिप्स टू ऑपरेट अ विंडलास इन द शिप, आउट ऑफ एक्शन थे वो। ऑन जनवरी 4 व्हाट हैपन्ड, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, थोड़ा सा ही कुछ सेंटीमीटर बोट में पानी रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, हमने पेस रखना था, जितना आ रहा है उतना बाहर भी निकलता रहे चल जाएगा। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, मेन मास्ट अभी नहीं लगा सकते, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्योंकि ऊपर से प्रेशर डालेंगे मास्ट का हवाओं से तो नीचे प्रेशर जाता है, नीचे हालत खस्ता है। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हैड इट फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, तो हमने जिब लगाई और उस तरफ चल दिए जहाँ पर वो दो टापू मुझे लगता था इस दिशा में होने चाहिए। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, बीफ मैंने गाय का मांस, एंड क्रैकर बिस्किट्स, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, बट आवर रिस्पाइट, रिस्पाइट मैंने अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट वाज शॉर्ट लाइव्ड, ये जो आराम हमें आया वो ज़्यादा समय का नहीं था, क्योंकि क्या होने लगा, एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिकेम बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, एक बार फिर से काले बादल आ गए। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 knots, 8 से फिर से 40 हो गई, एंड द सीज वर गेटिंग हायर, फिर से एक बार समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी हो रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डेटीरियोरेट, पेशेंट की हालत कैसी है, डेटीरियोरेट हो रही है, ठीक नहीं, खराब हो रही है, गेटिंग वर्स थ्रू आउट द नाइट, सारी रात मौसम खराब होता रहा। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, एक बार फिर हमारी हालत पतली थी, निराशा आ गई थी। व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, और जब मैं बच्चों को ढांढस बंधाने गया, कंफर्ट करने गया, उनसे बात कर लूं, घबरा ना रहे हों, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई, आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, नहीं बेटा हम कर लेंगे, बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू मम्मी शू एंड आई। देखिए आप, फैमिली वननेस इन टफ टाइम, 6-year-old दिस टाइम इट इज जोनाथन, earlier it was 7-year-old shoe, don't bother of my bumps dad, go ahead। देखिए आप, यहां पर कह रहा है वो, we are not afraid to die, keep trying dad, I could find no words with which to respond, कि कैसे response करूं इन बच्चों को, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had, मैंने सोचा कि अब जो है मेरे पास पूरी ताकत लगा दूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू रेज और लिफ्ट विद एफर्ट विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, कि जो सुरक्षित साइड है उसका मुंह घुमा के जिस तरफ से वेव्स आ रही हैं उस तरफ कर देता हूँ। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैविंग नायलॉन रॉप एंड 222 liter प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, ये ऑयल लिक्विड होता है,
That evening, Mary and I sat together holding hands. अगली शाम मैरी और मैं हाथों में हाथ लेके बैठ गए. As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. अभी भी टूटे हुए जगहों से पानी अंदर आ रहा था. We both felt the end was very near. और हमें लगा दोनों को कि गए अब तो. But Waywalker rode out the storm and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Sextant क्या होता है? An instrument with graduated arc of 60 degrees for taking altitude and navigation. Back in the chart room, I worked on the wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. Dekhiya, pinprick. It was equal to pinprick. To aap dekh sakte hain, dher mein se sui dhundna. While I was thinking, shoe moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made, jo usne card banaya tha. On the front she had drawn caricatures. Ye kuch aisa banaya, usne cartoon banaya, picture of a person or cartoon of Mary with me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message us card ke andar tha. "Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it." Ab hame aisa karna hai. Karna hi karna hai. I checked and rechecked the calculation. We had lost our main compass. जो दिशा सूचक होता है ना, मेन वाला तो गुम हो लिया था उस जाइगेंटिक वेव की वजह से. एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन विच वाज नॉट रिलायबल. उससे काम चला रहा था, मैंने देखा कैलकुलेट करके. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन. About 2 p.m., 2 बजे, ये सारी कैलकुलेशन करके, I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. भैया, 185 डिग्री पर ले लो. If we were lucky, I told him with a conviction, I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. और अगर हम सही हुए, तो 5 बजे तक हम इस टापू पे पहुंच जाएंगे, ये पिन प्रिक हमें मिल जाएगा. देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माय बंक, बंक मैंने बिस्तर, एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. डोज्ड ऑफ मैंने वेंट ऑफ टू स्लीप. व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क. और जब मैं 6 बजे उठा, अंधेरा हो रहा था. I knew, मैं जानता था, we must have missed the island. शायद हमने टापू मिस कर दिया होगा. 5 बजे था, 6 बज गए, नहीं आया. And with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly winds. At that moment, a tousled head मैंने a disarranged hair of narrator's son, Jonathan, appeared by my bunk, bed पे आया. Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind him. Why am I getting a hug now? I asked. Narrator ने पूछा, क्यों मुझे गले लगाना चाहते हो? Because you are the best daddy in the world and the best captain. Jonathan replied. तो वो क्या बोला? Not today, John. I am afraid. नहीं बेटे,
आज मैं संसार का सबसे अच्छा पापा नहीं हूँ, आज मैं संसार का सबसे अच्छा कैप्टन भी नहीं हूँ। तो क्या बोला वो, वाई यू मस्ट बी, तुम हो, तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुम हो, सेड शिव इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। यू फाउंड द आइलैंड, व्हाट आई शाउटेड, इट्स अबाउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। दे कोरस्ट, मिलकर एक आवाज में बोले, एज बिग एज अ बैटलशिप। देखिए आप कितना बड़ा टापू है। आई रश्ड ऑन डेक, रश मैंने तेजी से चल के जाना, एंड गेज्ड विद रिलीफ एट स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टरडैम। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्कनिक रॉक विद लिटल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। इट वॉज इन फ्रंट ऑफ अस, यस रियली। एंड देन वी एंकर्ड, एंकर्ड मैंने शिप को, जब टापू आ जाता है तो हम उसके बांध देते हैं ऑफ शोर तट के पास, फॉर द नाइट, रात्रि के लिए ठहरना था ना। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर ऑन द शोर ऑफ द लैंड, जब हमें वो छोड़ने गए, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन। अब नरेटर सोच रहा है कि एक बार फिर मेरे पैर के नीचे धरती है, खतरे से बाहर हैं हम। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। क्वेश्चन आता है कि अंत में उसके दिमाग में क्या चल रहा था, कौन लोग का ध्यान आ रहा था। टफ टाइम में जो साथ देते हैं वो तो ध्यान आते हैं ना, लैरी एंड हर्बी हु रिमेन चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अंडर द डायर स्ट्रेस। यही तो लेसन है कि ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ने का, डायर स्ट्रेस भी चला जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज में करवा चुका हूं, ये जरूर करना। हैंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। और वो मैरी भी तो याद आ रही थी, जिसने उसमें व्हील ना पकड़ा होता, कंट्रोल ना किया होता जहाज को, कि उसको टाइम मिल गया इन्वेस्टिगेट करने का। एंड मोस्ट ऑफ ऑल उसे याद आ रहे थे, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, वी सब्सिक्वेंटली took 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ recurring ब्लड clot बिटवीन स्किन एंड skull। और उसे याद आ रहा था हीरो ऑफ दिस लेसन, टाइटल जिसकी वजह से है, अ 6-year-old बॉय Who was not afraid to die? आखिरी लाइन ही तो टाइटल है, जोनाथन की यही लाइन तो टाइटल बनाई है, गॉर्डन कुक ने, एलन ईस्ट ने। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द लेसन, वी हैव डन समरी, वी हैव डन एक्सरसाइज, एंड टूडे लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन। असेसमेंट लेकर आने वाला हूँ जल्दी ही, तैयारी करो क्विज की। 20 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच 40 मार्क्स का होगा, लाइक योर अदर लेसन्स। बेस्ट विशेस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू, बाय बाय।